नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। आज संघवाद के टॉपिक से हम करेंगे कि किस तरीके से भारत के अंतर्गत संघवाद है वह है अध्याय 7 संघवाद। संघवाद जिसको फेडरलिज्म कहा जाता है, फेडरलिज्म यानी भारत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत प्रथम जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद प्रथम, जिसमें कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। तो भारत है वो राज्यों का संघ, इसी संघ शब्द से आगे जाकर मिला है, शब्द बनता है आपका संघवाद, संघ और एक है वाद, दो शब्द है। तो संघ का मतलब होता है संगठित, क्या है संघ का मतलब है संगठित। ठीक, किनको संगठित करना है भारत में, देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद प्रथम में कहा गया है कि भारत है वो क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद फर्स्ट, भारत राज्यों का संघ होगा, यह अनुच्छेद प्रथम की थ्योरी। इसके अनुसार भारत में जो राज्य है वो क्या है, केंद्र और राज्य दोनों का एक संगठन होगा। सभी संगठित रूप से क्या करेंगे, भारत राष्ट्र की जो संकल्पना है उसको करने का काम कौन करेंगे, केंद्र और राज्य। अब ये दोनों कैसे मिले, क्योंकि आप देखोगे एक शब्दावली है संघ, जिसके लिए दो शब्द प्रचलन में इंग्लिश में, एक शब्द है फेडरल, दूसरा है यूनियन। संघ शब्द दो शब्द चले, एक तो है फेडरल और दूसरा है यूनियन। तो भारत में जो अपनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत वो यूनियन अपनाया गया। यूनियन क्या कह रहा है, फेडरल क्या कह रहा है, उस शब्द को आप समझिए तो चीजें आपकी समझ में आ जाएगी। वास्तव के अंतर्गत है वो फेडरलिज्म की कहानी क्या है, कहानी ये है, यूएसए में देखोगे तो फेडरल अपनाया गया सिस्टम, यूएसए, अमेरिका में कौन सा सिस्टम है, फेडरल है। अमेरिका क्या होगा, राज्यों का फेडरल है वो भी संघ, और भारत भी राज्यों का संघ, भारत है वो राज्यों का यूनियन संघ है और अमेरिका है वो राज्यों का फेडरल संघ। बहुत बड़ा अंतर और बहुत ही नाजुक और छोटा सा अंतर है, इसकी आप चीजों को सीखिए। अमेरिका के अंतर्गत यदि हम देखेंगे तो एक तो है केंद्र और दूसरा वहां पर है राज्य, इन दोनों के मध्य क्या एक समझौता, एक एग्रीमेंट के तरफ से ये काम कर रहे हैं, क्या है एक एग्रीमेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। केंद्र का अपना अलग संविधान काम कर रहा है, नीति नियम अलग काम कर रहा है, और जो वहां पर राज्य काम कर रहे हैं उन राज्यों का भी अलग संविधान काम कर रहा है, अलग राज्यों के नियम चल रहे हैं। एक तो ये अमेरिका के अंतर्गत अमेरिकी संघ में ये मामला चल रहा है। ठीक है, आइए भारत पर, भारत में क्या चल रहा है उसको भी देखिए। भारत में चीजें चल रही है इस तरफ से, भारत में भी चीजें दो के दो है, एक तरफ केंद्र है और दूसरी तरफ में राज्य है। ठीक है, अब इन दोनों के मध्य क्या राज्यों ने केंद्र से कोई समझौता किया कि हम आपके साथ में रहेंगे, केंद्र के साथ में रहेंगे तो केंद्र हमें ये सुविधाएं देगा, ये फैसिलिटी देगा, हमारे अपने कानून होंगे, हम अपने अलग नियमों से संचालित होंगे, क्या ऐसी व्यवस्था है? तो आप कहोगे साहब ऐसी व्यवस्था नहीं। तो कैसी व्यवस्था है, हमारे लिए एक संविधान है, उसी संविधान को फॉलो केंद्र भी करेगा, उसी संविधान को फॉलो राज्य भी करेगा, बस शर्त है उनके प्रशासन के कुछ एक नियम अलग हो सकते हैं, बाकी दोनों के ही सेम एज इट इज है। तो क्या हुआ, जो राज्य है वो भारतीय संघ में स्वयं आकर विलय हुए, स्वयं आकर है वो केंद्र में आकर क्या हुए, मिले। वहां पर तो क्या हुआ है, एग्रीमेंट करके संगठन बनाया गया, और यहां पर क्या है, सभी ने मिलकर उसमें समाहित होकर संगठन बनाया गया। ये बहुत ही बड़ा अंतर है और बहुत ही छोटा सा अंतर इसको माना जाता है एग्रीमेंट, क्योंकि उनके अपने खुद की नियमावली चलेगी, जबकि भारत में राज्यों के अपने प्रॉपर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होंगे, सभी अलग और स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे, केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे, और केंद्र होगा वह सशक्त होगा। अमेरिका में केंद्र सशक्त है ये जरूरी है, लेकिन राज्य भी उनके साथ जरूरी है, राज्य भी सशक्त है। भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है,
राज्यों को स्वतंत्रता दे देगी। राज्यों के अपने प्रशासन के कुछ एक नियम अलग हो गए, लेकिन केंद्र को हमने सशक्त सबसे शक्तिशाली बनाया, क्योंकि भारत जैसा जो राष्ट्र है विविधताओं भरा राष्ट्र है और स्वतंत्रता के साथ ही विभाजन जैसी बड़ी समस्या को झेलनी पड़ी, इसलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, जो संविधान निर्माता लोग थे, उन लोगों ने यह महसूस किया कि वास्तव में केंद्र को शक्तिशाली बनाए बिना है वो भारत है, भारत राष्ट्र का कॉन्सेप्ट वो कंप्लीट नहीं हो सकता और इसके लिए एक संघ बनाया जाए, एक संगठन बनाया जाए। इसलिए कहा गया अनुच्छेद प्रथम में कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ है और सभी राज्य हैं वो भारतीय संघ में आकर मिले। किसमें आकर मिले हैं? सभी राज्य हैं वो भारतीय संघ में आकर मिले हैं। ऐसा नहीं है कि हमने प्रत्येक राज्य से अलग अलग एग्रीमेंट किया, ऐसी कोई चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत नहीं दी हुई। तो संघ का मतलब हुआ संगठन, सभी राज्यों और केंद्र का एक संगठन है जिसे संघ कहा जाता है, और किस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं, मिलजुल कर काम कर रहे हैं, इनकी क्या क्या व्यवस्था है वो हम इस संघवाद की थ्योरी में पढ़ेंगे। यानी संघवाद वो विचारधारा जिसके अनुसार केंद्र और राज्य साथ मिलकर प्रशासन चलाने का काम करते हैं, संघवाद कहलाता है। ये सब संस्थागत काम होता है और दो इकाइयां काम करती है, कौन करता है, एक केंद्र कर रहा है और दूसरा राज्य करता है, यही है हमारा संघवाद। फेडरलिज्म नहीं है, यूनियन है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बात को एक्सेप्ट की गई। तो इसको जो मूल तो कहा जाएगा आपके फेडरलिज्म कहा जाएगा। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म है वो कहा जाता है, संघवाद कहा जाता है। और जो मानचित्र दिया हुआ उसमें आप देखोगे कि किस तरीके से केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर एक संघ बना भारत है वो पूरा का पूरा आप देखोगे ये संघ है। सभी राज्य हैं, आप देखोगे प्रत्येक राज्य को अलग अलग लाइनों के द्वारा अलग अलग कलर से दर्शाया गया है, ये हमारी विविधता को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? ये हमारी अलग अलग राज्यों की अपनी विविधता हो सकती है, लेकिन आखिर में सभी राज्य हैं वो स्वतः आकर क्या हुआ है, भारतीय संघ के अंतर्गत मिलने का काम हुआ है। तो ये काफी महत्वपूर्ण चीज है कि जो भारत है वो क्या है बच्चों, राज्यों का संघ है, यूनियन है, और इस यूनियन में सभी राज्यों से हमने एग्रीमेंट है वो नहीं किया है, सभी राज्य है वो भारत में आकर स्वतंत्र रूप से मिले हैं और इसी के द्वारा ही भारत राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा यहीं पर कंप्लीट हुआ। तो ये संघ होगा भारत के, हैं इंडिया, दैट इज यूनियन ऑफ इंडिया, ये स्टेट होगा सभी राज्यों से मिलकर, ये आपका संघ। आप देखोगे यहाँ पर ये आपकी दिल्ली है, केंद्र शासित प्रदेश है। आप देखोगे ये आपका जम्मू कश्मीर श्रीनगर, ये भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया। बिहार है ये अलग स्टेट है, उत्तर प्रदेश अलग स्टेट है, मध्य प्रदेश अलग है, राजस्थान अलग है, गुजरात है, दादरा और नगर हवेली ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये राज्य है ये केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन दोनों ही क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का भारत पूरा क्या है, एक संघ होगा, एक संगठन होगा, सभी से सामूहिक रूप से मिलकर ये क्या करेंगे, काम करेंगे। यही हमारी है वो संघवाद की थ्योरी है। देखते हैं क्या घटनाक्रम रहा संघवाद का, किस तरीके से भारत में संघवाद को है वो स्थापित करने हेतु कौन कौन से कारक प्रभावित रहे, किसी भी देश को जो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को या अन्य चीजों को प्रभावित करने की सबसे बड़ी काम कर रहा है वो उसका भूगोल करेगा, वहां के जो सांस्कृतिक परंपराएं क्या रही, उस देश की विविधताएं क्या रही, वे सब कुछ उसको प्रभावित करेंगे और उन्हीं के अकॉर्डिंग संघवाद का भी निर्माण होगा। अमेरिका में संघवाद देखोगे तो वहां वो उनका ज्योग्राफी सब कुछ तय कर रही है, क्योंकि वहां का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है ऐसी है कि राज्यों को सभी को है वो आप साथ ले नहीं सकते, राज्य इतने सवाहित हो चुके हैं कि राज्यों के साथ आपको केंद्र को आगे बढ़कर समझौता करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर विपरीत है, राज्य खुद दौड़कर आकर केंद्र से विलय हो रहे हैं कि हम आपके साथ देंगे, आपके साथ रहना चाहते हैं, आप हमें फाइनेंशियल तकनीकी मदद करवाएं, हमारा विकास हो। तो दो विपरीत धाराओं में है वो संघवाद की थ्योरी चली, और उस थ्योरी के कारण वो सांस्कृतिक परंपरा रही, उसकी ज्योग्राफिकल जो कंडीशन क्या रही वो उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करने का काम कर रहा है। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हमें आजादी से लेकर आज दिन तक आपको काफी परिवर्तन दिखाई दे रहा। जिस समय देश आजाद हुआ था 1947 में, जिस समय देश आजाद हुआ था, आजादी से लेकर आज तक आप देखोगे तो बहुत सा परिवर्तन है, जब उस समय के राज्य आज के राज्य में बहुत ही ज्यादा फर्क है। तो ये क्या चीज दर्शाते हैं कि किस तरीके से एक परिवर्तन का दौर चला, और उस समय से देखेंगे तो काफी राज्यों की सीमाएं हैं और नाम तक ही बदल दिए गए, यानी इतना बड़ा है वो बदला हुआ, कुछ राज्यों की सीमाओं को परिवर्तन करके छोटा कर दिया या कुछ भाग को अन्य को जोड़कर राज्यों को क्या है बड़े बना दिए, नाम बदल के दिए गए या सीमाएं परिवर्तन की, राज्यों की सीमाओं में भी क्या हुआ कहीं ना कहीं अंतर आने का काम किया।
आजादी के समय अपने देश में अधिकांश प्रांत ऐसे थे जिन्हें अंग्रेजों ने महज प्रशासनिक सुविधा के लिए गठित किया था या फिर कुछ देशी रियासतों का स्वतंत्र भारत में विलय हो गया था। इन देशी रियासतों को प्रांतों से जोड़ दिया गया और तब से लेकर आज तक राज्यों की सीमाएं कई बार बदल चुकी है। इस अवधि में न केवल राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हुआ बल्कि कुछ राज्यों की जनता की इच्छा के अनुसार उनका नाम भी बदल दिए गए। जैसे आप देखोगे मैसूर का नाम है वो कर्नाटक कर दिया, मद्रास का नाम है वो तमिलनाडु कर दिया गया। तो ये क्या है, ये बदलती हुई परिस्थितियां हैं। जो संघ कैसा बनेगा, संघ कैसा नहीं बनेगा, उसकी क्या स्थिति होगी, उनको सब कुछ तय कर रहा है वो। बदलती परिस्थितियों में संघ के अंतर्गत भी बदलाव आया। हम देखेंगे कि जो भारत आजाद हुआ उस समय राज्यों की संख्या कम थी, राज्य या तो बृहत थे तो उन राज्यों की सीमाओं में बदलाव हुआ, राज्यों को बड़ा किया या छोटा किया, उनके नाम बदल लिए गए और कुछ एक की तो सीमाएं तक है वो खत्म कर दी गई। ये जो व्यवस्थाएं थी उस समय की, तो वो अंग्रेजों ने केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए गठित किए। उनके बाद में हमने राज्यों का पुनर्गठन किया, कुछ देशी रियासतें भारत में आकर विलय कर दी, कुछ का है वो नए राज्य गठित कर दिए गए जिनके कारण है। और कुछ एक ऐसे स्टेट थे जहां पर जनता की मांग के मुताबिक उनकी है नाम परिवर्तन किया, जिसमें हम मैसूर कर्नाटक का देखेंगे, मद्रास तमिलनाडु उनका भी नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, मद्रास का तमिलनाडु, जो जनता की मांग की मुताबिक था। इसी से संघवाद का स्वरूप आया। अब आपका इसी के अंतर्गत कुछ एक सवाल दिए हैं जिनसे हमारा टॉपिक क्या होगा, शुरू होगा कि किस तरीके से है वो आप अध्याय को समझोगे। प्यारे बच्चों सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एनसीईआरटी का एक सबसे बड़ा जो किफायती और फायदा ये रहता है कि जो भी टॉपिक शुरू होगा आपका संबंधित अध्याय के प्रश्नों की श्रृंखला में होगा और उस अध्याय को समझना बड़ा आसान रहा, क्योंकि सवाल आपको पहले आ गए, अब आप सीधे उनको समझ आपके अच्छी तरीके से आपको धारा प्रवाह रूप में आ जाए। पहले ही सवाल आ गया कि संघवाद क्या, भारतीय संविधान में संघीय संबंधी क्या प्रावधान किए गए, केंद्र और राज्यों के संबंधों से जुड़े मुद्दे कौन कौन से, और कुछ राज्यों के लिए निर्धारित विशिष्ट प्रावधान क्या है, ये सवाल के रूप में आपसे पूछे गए हैं। और ये सवाल के क्या है, यही हमारे जो हेडिंग होगी, इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा अध्याय चलेगा। हम देखेंगे कि किस तरीके से संघवाद है, भारत राज्यों केंद्र और राज्यों का मिलकर एक संगठित समूह है जो क्या कर रहा है, देश के लिए संघ शासन चलाने का काम कर रहा है, जो संघवाद आएगा। फिर हम उदाहरण के तौर पर समझेंगे कि सोवियत संघ किस तरह का संघ था, लेकिन कालांतर में उसका विघटित हो गया, सारे राष्ट्र हैं उनसे अलग हो गए। नाइजीरियन संगठन है वो किस तरीके से बना, नाइजीरिया के अंतर्गत क्या व्यवस्था रही, संघ बनाने की कोशिश की लेकिन वहां तानाशाही शक्तियां स्थापित हुई, संघ का फॉर्मूला फेल हो गया। फिर भारतीय संविधान में संघ की व्यवस्था के लिए कुछ प्रावधान किए गए, आर्टिकल जो भाग फर्स्ट में भारत राज्यों का संघ है, ऐसे करके जो पांच है जो अनुच्छेद तय किए गए, एक से अनुच्छेद चार भाग फर्स्ट, जिसमें संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया कि संघ का स्वरूप है वो इस तरीके से होगा। फिर केंद्र और राज्यों के अलग अलग संबंध है, उनसे हमें चीज निर्धारित हो कि भारत का जो संघ है वो किस तरह से काम कर रहा है, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध के लिए प्रशासनिक क्या क्या संबंध है, फिर उनके लिए तीन जो सूचियां जारी की गई संघ राज्यों और संघवर्ती सूची, उन पर कैसे कार्य कर रहे हैं, वित्तीय शक्तियां क्या क्या है, विधि विधायी कौन सी, उनसे ये तय होता है कि किस प्रकार की इनमें आपस में क्या है कॉम्बिनेशन है। और कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है, जैसे अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य है उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए, जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 के तहत विशेष प्रोविजन किए गए, लेकिन 2019 के अगस्त माह में इस विशेष प्रोविजन वाले खंड को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, लेकिन हमारे लिए आज भी इसमें कुछ एक महत्वपूर्ण है जो चीजों को आपको समझने के लिए बहुत ही जरूरी। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है जो संघवाद की थ्योरी उसको समझते हैं। संघवाद सोवियत संघ का एक उदाहरण लेते हैं जिससे आपको चीज समझ में आ जाए कि संघ क्या है, किस तरह से अस्तित्व में आया, संघ किस तरह से काम मिलकर करता है। मैंने बताया कि संघ है वो केंद्र और राज्यों का एक संगठन है। संघ क्या है आपकी सीधी जहन में आना चाहिए कि संघ केंद्र व राज्यों का संगठित समूह होता है जो एक साथ मिलकर प्रशासन चलाने का काम करता है।
कहेंगे कि जो संघवाद है वो केंद्र और राज्यों का क्या है, संगठित समूह है जो एक साथ मिलकर प्रशासन चलाने का काम करता है, विकास के कार्य करेगा, संघवाद कहलाया जाएगा। और भारत में हम संघवाद को देखेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग फर्स्ट में है वो संघ का उल्लेख किया गया है, और जिसमें कहा गया है भारत में, भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में कहां पर है, भारत के संदर्भ में देखेंगे कि भाग फर्स्ट अनुच्छेद 1 से लेकर 4, अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का संघ, तो ये शब्दावली भारतीय संदर्भ में कहेंगे केंद्र व राज्यों का संगठित समूह जो एक साथ मिलकर प्रशासन और विकास का काम कराएं। और भारत के संदर्भ में संघ देखा जाए तो भाग फर्स्ट में अनुच्छेद 1 से 4 तक लेकर कहा गया है कि भारत है वो अलग अलग राज्यों से किस तरह से मिलकर बनाए, भारत राज्यों का संघ है, समूह है जो संगठित करके भारत राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को पूरा करने का काम करेगा। तो ये भारत के संदर्भ में एक उदाहरण समझेंगे कि सोवियत संघ है वो विश्व की एक महाशक्ति थी, वह 1989 के बाद वह अनेक स्वतंत्र देशों में बढ़ गया। अब सोवियत संघ विश्व का एक शक्तिशाली देशों का संगठन था, जिसका जो उत्तराधिकारी राष्ट्र है, शक्तिशाली राष्ट्र है, वह कौन है, वो है आपके रूस, ये सोवियत संघ, सोवियत संघ। और इसका जो अभी शक्तिशाली देश है वो है रूस, मीन्स रशिया। अब जो देखेंगे कि सोवियत संघ, आप देखोगे जो आगे सीनियर में हम चीजों को देखेंगे कि किस तरीके से विश्व के अंतर्गत शक्ति संतुलन साधने का काम है वो सोवियत संघ ने कहा। और शीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में शीत युद्ध का एक दौर शुरू होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की भी स्थापना होती है। 1945 के बाद विश्व में कौन सा देश शक्तिशाली होगा, कौन सा देश का है वो विश्व के ऊपर पूरा शासन चलेगा, ऐसा करके एक विचारधारा आई जिसे शीत युद्ध कहा जाता है। और शीत युद्ध है वो सोवियत संघ और अमेरिका दोनों आपस में एक दूसरे को विश्व की महाशक्ति मान करें, शक्ति संतुलन स्थापित करने हेतु क्या करें, निरंतर है वो एक दूसरे से लड़ने का काम करें, निरंतर प्रतिस्पर्धा का काम करें। तो उसमें ये सोवियत संघ बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन था। और 1989 के अंतर्गत जाते जाते सोवियत संघ में विभाजन को दौर हुआ, और 1991 में तो पूर्णतया बोरिस येल्त्सिन करके राष्ट्रपति होते हैं सोवियत संघ के, क्योंकि जो 1989 के आसपास मिखाइल गोर्बाचेव वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति होते हैं, उसने ग्लासनोस्ट की जो नीतियां, जो कुछ पॉलिसियां लाई खुलेपन की, जैसे भरे बाहर पीठ तैसी कीजिए, यानी जैसा जो वातावरण है उसके मुताबिक आप है वो काम करे, ऐसी खुलेपन की नीति आई, फलत सोवियत संघ का विघटन हुआ। और 89 में जाते जाते जो सोवियत संघ कई राष्ट्रों से मिलकर बना था वे सभी के सभी देश क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। इनमें से कुछ ने मिलकर स्वतंत्र राज्यों का क्या बना लिया, राष्ट्र पूल बना लिया। अब क्या हुआ, 89 में जाते जाते इनसे सभी है वो राष्ट्र टूट गए, और इन राष्ट्रों ने मिलकर क्या बना दिया, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल करके एक संगठन बना दिया। सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण यदि देखा जाए तो वहां शक्तियों का जमाव और अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी। चूंकि हम आगे जो चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिए, बात यहाँ पर यह आ रही, सोवियत संघ उसका विघटन इसलिए हुआ क्यों, क्योंकि दो चीज वहां पर भी है, एक तो संगठन है उसमें बाकी अन्य देश आकर मिले, भारत में भी क्या, एक तो भारत सरकार केंद्र और दूसरे सभी राज्य मिलकर आ रहे, तो यहाँ पर चीज क्या हो रहा है, शक्तियों का केंद्रीकरण हो रहा, सभी सारी की सारी शक्तियां एक व्यक्ति में दे दोगे तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ही सेम जो एज इट इज स्थिति हुई, और सोवियत संघ में शक्तियों का ज्यादा जमा हो गया और अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति हुई, फलत अनेक ऐसे देश थे जिनकी अपनी अलग अलग संस्कृति थी, भाषा थी, वे देश है अन्य किसी भी देशों के आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया, और उन्होंने कहा कि हम तो स्वतंत्र होंगे, हम आपके साथ नहीं चल सकते, आप दो व्यक्ति एक क्लास में, तो मैं क्या करूंगा कि उसमें से एक बच्चे को ज्यादा पावर दे दिया और दूसरे को कुछ नहीं दिया, फलत क्या होगा, फूट पड़ेगी। यहाँ पर एज इट इज स्थिति हुई, जो केंद्र और राज्य, केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी, फलत है वो अन्य जो इनके राज्य थे उनमें विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, और उन्होंने कहा कि हमारी भाषा संस्कृति है उन पर कोई अन्य देश आधिपत्य नहीं करेगा, और अन्य देशों ने आधिपत्य किया तो विघटन होना, पतन होने की घड़ी शुरू हो गई। इसके अलावा उज्बेकिस्तान,
जैसे भिन्न भाषा और संस्कृति वाले क्षेत्रों पर रूस के आधिपत्य ने भी विघटन को बढ़ावा देने का कार्य किया। कुछ अन्य राज्यों जैसे चेकोस्लाविया, यूगोस्लाविया और पाकिस्तान को भी अपने क्षेत्र का है वो विभाजन देखना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने संघ केंद्र को इतना सशक्त बनाया और जो उनके राज्य थे उनके साथ है वो हितों का खिलवाड़ किया, ज्यादा से ज्यादा शक्ति केंद्र को दी और राज्यों की उपेक्षा की। फलत राज्यों ने अलग अलग समय में मांग उठी और मांग इतनी प्रबल हुई कि हिंसा होने लगी और ज्यादा फिर उन राज्यों को हमें स्वतंत्र करना पड़ा। तो ऐसी स्थिति सोवियत संघ में हुई। उज्बेकिस्तान जैसे जो देश है जिनकी भिन्न भाषा संस्कृति है उस पर रूस का आधिपत्य हुआ तो विघटन का दौर शुरू हुआ और सोवियत संघ का विघटन 1989 में जाकर हुआ। सारे के सारे राष्ट्र अलग हो गए और उसमें जाकर एक रूस है वो स्वतंत्र देश के रूप में सोवियत संघ में से बचा। जो हमें क्या प्रदर्शित कर रहा, जो ये प्रदर्शित कर रहा है कि कभी भी केंद्र और राज्य दोनों में एक यदि शक्तिशाली करेगा तो दूसरे का पतन करना शुरू कर देगा। इसलिए संघवाद का यही विचार है कि केंद्र और राज्य दोनों क्या हो, संगठित रूप से समूह हो और एक साथ मिलकर काम करे विकास का, तो ही संघ बना रह सकता। यहीं पर यह बात समझ लीजिए, चीज हमने देखी कि किस तरीके से चेकोस्लाविया की स्थिति वो भी संघवाद के कारण बिखरी कि राज्यों में है वो विभाजन हुआ यूगोस्लाविया, और पाकिस्तान की भी है कि ये स्थिति है कि पाकिस्तान आज कई टुकड़ों के अंतर्गत बंटने की कगार पर है। क्यों? ज्यादा शक्तियां संघ को दी, अलग अलग राज्य जैसे बलूचिस्तान के अंतर्गत है वो बलूच लिट रहे हैं, अलग बलूचिस्तान राज्य अलग बलूचिस्तान राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान के अंतर्गत निरंतर है वो विद्रोह होते रहते हैं। तो ये स्थिति ये दर्शाता है कि जब संघ केंद्र शक्तिशाली होगा राज्यों को क्या है दबाने का काम करेगा तो फलत स्थिति है वो की वो ही होगी। हमारे यहाँ पर भी एज इट इज स्थिति है वो समस्या खड़ी हो गई। हमने क्या है कि जब जब केंद्र शक्ति राज्यों पर दबाव डालना शुरू किया, राज्यों से उपेक्षा की, फलत राज्यों ने नई नई डिमांड शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर का मसला आजादी के समय से ही भारत के लिए है, वो नाक में दम करके रखा था। अन्य मामले अन्य जगहों से भी अलग मांग उठी, पंजाब से अलग हो, खालिस्तान राष्ट्र के हो, अलग रूप से मांग बढ़ी। क्यों? क्यों? क्यों आपने उस राज्य में वहां कोऑपरेट नहीं किया, वहां के नागरिकों की जो मांग थी उस मांग को आपने कभी माना नहीं, उनकी जो बेसिक आवश्यकता थी उनकी बेसिक नीड को पूरा नहीं किया, तो फलत बात यही है कि वो अलग मांग तो करेंगे सीधी सी बात। ऐसा का ऐसा बंगाल के अंतर्गत गोरखालैंड है वो अलग स्टेट की भी मांग कर रहे, अलग स्टेट की मांग कर रहे। क्यों? क्योंकि दार्जिलिंग का जो हिल का क्षेत्र है वहां पर है वो उनके विकास की और उनकी अलग संस्कृति और अलग बांग्ला संस्कृति दोनों से भिन्न है, फलत वे अलग स्टेट की मांग करें। तो ये भी क्या है, ये भी एक संघवाद को है वो कहीं ना कहीं खतरा है कि किसी के हितों की खिलवाड़ करोगे तो संघवाद चल सकता है तो नहीं चलेगा। यही बात है कि केंद्र और राज्य सामूहिक रूप से संगठित होकर कार्य करेंगे तो संघवाद का ही अवधारणा आएगी, अन्यथा नहीं हो सकता। कनाडा में भी अंग्रेजी भाषी और फ्रेंच भाषी मौके के आधार पर विभाजन की संभावना बढ़ गई, और कनाडा के अंतर्गत भी ये स्थिति है कि कुछ लोग अंग्रेजी भाषी और कुछ है फ्रेंच भाषावलंबी है वो इस बात को लेकर निरंतर मांग कर रहे हैं, फलत विभाजन की संभावना बढ़ी। अब आपके ज्ञान में आएगा सब भारत की क्या स्थिति। आप सोचोगे कि भारत के लिए महान उपलब्धि का दौर रहा कि जो 1947 में जो है नव स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जन्म हुआ, तो हमें है वो 1947 में दुखद विभाजन देखना पड़ा और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पिछले 6 दशकों से वह अपना अखंड और अस्तित्व बनाए रखा है। यानी भारत की ये एक स्थिति थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो संघ की स्थिति है वो हमारे संघ में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर दिया था, निरूपण कर दिया था संघ भारत में। भारत में संघ, भारत राज्यों का संघ होगा, ये कौन कह रहा है, ये आर्टिकल फर्स्ट कह रहा है। तो हमारे लिए क्या किया कि हमने फर्स्ट जो प्रोविजन रखे वो केंद्र और राज्यों की किस तरह की स्थिति होगी और उसमें हमने किसको मजबूत बनाया, संघ को ही मजबूत बनाने का काम किया और राज्यों के साथ है उनकी स्वायत्तता रखी कि संघ तो भले मजबूत हो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वह राज्यों को कॉपरेट नहीं करे और राज्य के हितों की उपेक्षा करे। तो संघ के अंतर्गत यह नियत किया गया कि राज्य वे अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करें, बशर्ते
वो किसी भी तरह का संघ के विरुद्ध केंद्र के विरुद्ध काम नहीं करें, और केंद्र का ये उत्तरदायित्व होगा कि वो राज्यों का क्या है कोऑपरेट करें और राज्यों का साथ दे। तो ये हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता थी। इसके लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, संविधान जो वेता थे, उन्होंने ही भारतीय संविधान में द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था को जाना था। अतः हम कह सकते हैं कि इसका काफी कुछ श्रेय भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था को जाना जाता है, जिनके कारण तकरीबन छह दशक है, तकरीबन जो 60 साल की समयावधि है बीती है, 60-70 साल का ये जो दौर बीता है, इस दौर में भारत है वो एक संघ रहा। कोई भी राज्य है वो टूटकर अलग देश नहीं बना। ये हमारी राष्ट्र की सबसे बड़ी विशेषता, हमारे संविधान वेताओं ने हमारे संविधान में कुछ संघीय प्रावधान किए जिनके कारण ही भारत है वो एकजुट रहा। ऊपर के जिन देशों का उल्लेख किया गया है वे सभी संघीय राज्य थे, पर ये एकजुट नहीं रह सके। इससे लगता है कि संघीय संविधान अपनाने के साथ साथ संघीय व्यवस्था की प्रकृति और व्यवहार भी महत्वपूर्ण होते हैं कि संघीय। अब ये बात यहां निकल कर आई, कैसा भारत में तो संविधान में आपने है वो चीज अपनाई है जिनके कारण आप कहोगे कि भारत का विभाजन कोई समस्या नहीं झेलनी पड़ी, तो ये बात गलत होगी। गलत इसलिए होगी कि कोई भी संघ सफल रूप से काम करे उसके लिए संघीय व्यवस्था की प्रकृति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। किस तरह के संबंध आपने है वो संघ है वो राज्यों के साथ कर रहा है, तो संघीय प्रकृति ही महत्वपूर्ण होगी। उसी प्रकृति के आधार पर ही इनके संबंधों का क्या होता है निर्धारण होगा। इसी से ये चीज तय होगी कि जो प्रकृति से ही संघ है वो ज्यादा मजबूत रूप से चलेगा। एक अन्य उदाहरण को आप समझिए, वेस्ट इंडीज का एक उदाहरण समझिए कि वेस्ट इंडीज है उसमें किस तरह का संघवाद है वो अपन का बेसिक देखेंगे। भारत की तरह वेस्ट इंडीज भी है वो अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेजों के उपनिवेश के बाद है वो स्वतंत्र हुआ, तो भारत की तरह वेस्ट इंडीज भी अंग्रेजों का उपनिवेश रहा हुआ है। उपनिवेश यानी किसी देश के ऊपर किसी अन्य राष्ट्र का क्या है अधिकार है, उपनिवेशिकता, तो भारत भी क्या है उपनिवेश रहा था, ये भी उपनिवेश रहा था। 1958 में वेस्ट इंडीज संघ फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज का जन्म हुआ। अब 1958 में जो ये स्वतंत्र हुआ उसके बाद में एक संगठन बनाया गया, संघ बनाया गया जिसको क्या कहा जाता है फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज FA बनाया गया। इसकी केंद्रीय सरकार कमजोर थी और प्रत्येक संघीय इकाई की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। अब यहां पर परिणाम क्या हो रहा है, आपने संघ तो बना दिया लेकिन संघ के अंतर्गत जो केंद्रीय सरकार थी उसको कमजोर बना दिया और राज्य है वो हावी हो रहा है। जो संघ बनाएंगे उसमें सरकारें दो होगी बच्चों, एक बात आप समझो, जो बार बार संघ आ रहा है इस संघ में क्या हो रहा है कि कोई संघ बनेगा तो किसका संघ बनेगा, केंद्र और राज्यों का, इन दोनों का समूह होगा वही संघ होगा। तो इसकी केंद्रीय सरकार है वो कमजोर रही, प्रत्येक जो संघीय इकाई है वो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था का संचालन करने लगी। इसी वजह से और अन्य संघीय इकाइयों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण 1962 में इस संघ को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया यानी समाप्त कर दिया गया। बाद में 1973 में चिगू आग रास की संधि हुई, चिगू आग रास करके एक संधि होती है, चिगू आगरास की संधि के द्वारा इन स्वतंत्र प्रायद्वीपों ने एक साझी संसद, सर्वोच्च न्यायालय, मुद्रा और कैरिबियन समुदाय नामक साझा बाजार जैसे संयुक्त व्यवस्थाओं का निर्माण किया। कैरिबियन समुदाय की एक साझी कार्यपालिका भी है और अन्य सदस्य देशों की सरकार के प्रधान उस कार्यपालिका के क्या है, सदस्य। इस प्रकार यहाँ की इकाई न तो एक देश के रूप में रह सकी और न ही वे अलग रूप में रह सकी और न ही एक संगठन बना सकी। बात क्या हुआ, उपनिवेश से स्वतंत्र हुए संगठन बना लिया, संगठन बनाया, क्या किया, केंद्र को आपने कमजोर कर लिया, राज्यों की है वो अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं संचालित होने की, राज्य क्या है शक्तिशाली हो गए, राज्य शक्तिशाली हो गए तो प्रत्येक के अंतर्गत वो मामला है वो प्रतिस्पर्धा का एनवायरमेंट क्रिएट होगा। फलत 1962 में हमने इस संघ को भंग किया, नई संधि गठित की और नई संधि के द्वारा क्या किया गया, एक साझी संसद बनाई गई,
वेस्टर्न डिविजन की सभी राज्यों के एक सभी का सर्वोच्च न्यायालय सभी का मुद्रीय एक ही होगी सभी का कैरिबियन समुदायों का एक साझा मार्केट भी है वो बना दिया गया साझी कार्यपालिका भी बना दी सरकार भी बना दी लेकिन क्या इतना होते हुए भी एक रूप में रह सके तो कहेंगे कि ये सभी एक रूप में नहीं रह सके इसका कारण ये है कि संघ को इन लोगों ने कमजोर कर रखा फलत राज्यों में प्रतिस्पर्धा हुई और संघवाद वहां कभी भी सक्षम नहीं हो पाया तो इस बात से ये चीज यहाँ निकल कर आई कि कोई भी संघ तभी जाकर सफल होगा जब उसमें दोनों ही संघ और राज्य दोनों ही समूह साथ मिलकर कार्य करेंगे एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे और उसमें केंद्र को शक्तिशाली बनाएंगे और राज्यों को कॉपरेट करेंगे तो ये संघ है वो शक्तिशाली चल सकता है अन्यथा नहीं चल सकता। जिस तरीके से एक परिवार के अंतर्गत एक परिवार में संघ रखना है तो उस परिवार का जो एक मुखिया होगा वृद्ध व्यक्ति होगा उसी के इर्द गिर्द ही पूरे परिवार का शासन नियंत्रण होगा और पूरे परिवार को टैकल करेगा तो वह वृद्ध व्यक्ति करेगा तो ही परिवार का एक संघ बना रहेगा। वैसे की वैसी स्थिति राष्ट्रों की भी यही होती है राष्ट्रों में भी वैसी स्थिति होगी केंद्र और राज्य दोनों ही साथ मिलकर कार्य करेंगे तो ये क्या है कोई संघ है वो काम कर सकेगा। शासन के सिद्धांत के रूप में यदि देखा जाए तो संघवाद विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न स्वरूप ग्रहण करता रहा है। संघीय राज्य की शुरुआत अमेरिका से हुई लेकिन वह जर्मनी और भारतीय संघवाद से भिन्न। अब जो ये संघवाद अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रूप के अंतर्गत आया हम देखेंगे कि एक अमेरिका का संघ है जबकि दूसरी तरफ जर्मन और भारत का संघ है वो संघवाद बहुत ही भिन्न क्यों इसलिए भिन्न है कि अमेरिका में अमेरिका जो है वो राज्यों का संघ है लेकिन राज्यों के साथ उस संघ ने क्या किया है एग्रीमेंट किया है समझौता किया है। हमारे यहाँ पर और जर्मनी में हमने क्या राज्यों से समझौता किया नहीं राज्य स्वतः आकर केंद्र में मिले संघ में आकर मिले और राज्यों को हमने विशेष शक्तियां तो दी है लेकिन विलय उन्होंने स्वयं ही किया जो ये भिन्न भिन्न अवधारणाएं बदलती हुई परिस्थिति बदलती हुई उनकी स्थिति के मुताबिक फिर भी संघवाद की कुछ मूलभूत अवधारणाएं जो जिसको निश्चित रूप से संघवाद कहते हैं और संघवाद ये क्या है एक संस्थागत प्रणाली। अब बात है आप कहोगे साहब ये संघवाद क्या है संघवाद है उसको समझिए थोड़ी चीजों को कि संघवाद है वो एक संस्थागत प्रणाली पहली बात है वो तो एक सामान्य परिभाषा थी केंद्र और राज्यों का एक समूह होगा जो कार्य करेगा। संघवाद की महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं टेक्निकल परिभाषाएं कि संघवाद एक संस्थागत प्रणाली कैसी है संस्थागत संस्थागत प्रणाली जिसमें दो तरह की राजनीतिक व्यवस्थाएं शामिल होती है संस्थात्मक प्रणाली है जिसमें दोनों तरह की राजनीतिक व्यवस्था शामिल कौन सी दोनों केंद्र व राज्य केंद्र व राज्य शामिल होती है ये बात निकल कर कहेंगे कि जो संघवाद है वो एक संस्थात्मक एक संस्थागत प्रणाली एक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है जिसमें दो तरह की राजनीतिक व्यवस्थाएं केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर क्या करेंगे शासन करेंगे विकास का कार्य करेंगे संघवाद कहलाया जाएगा। यह टेक्निकल परिभाषा निकल कर आई क्या है ये एक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम जिसमें दो व्यवस्थाएं होगी एक केंद्र की होगी और दूसरी हो जाएगी क्या जिसमें प्रांतीय और केंद्रीय दोनों स्तर की संस्थाएं मिलकर क्या करेगी काम करेगी तो वह क्या हो जाएगा संघवाद। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र को स्वायत्त होती है और कुछ संघीय देशों में क्या है दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की है लेकिन भारत में कैसी व्यवस्था है भारत में एक ही नागरिकता है क्यों क्योंकि हमने संघ को मजबूत करने के लिए अब आप देखोगे प्रत्येक राज्य है वो स्वतंत्र स्वायत्त होना चाहता है ज्यादा से ज्यादा अधिकार चाहता है तो वो स्वायत्त हो जाएगा और कुछ देशों में दोहरी नागरिकता आपने गई है जैसे कि आप देखोगे अमेरिका का जो नागरिकों का कोई वीजा होगा तो अमेरिका का कोई यहाँ पर आया है नागरिक पर्यटक घूमना है तो उनके वीजे के ऊपर एक अमेरिकी भी सिटीजन लिखा होगा और दूसरा जो जहां से होगा जैसे पेंसिल्वेनिया से है न्यूयॉर्क से है कोलंबिया से है शिकागो से है
तो ये उनका भी नाम लिखा होगा। ये तो कहां है? अमेरिका। यानी राज्य का भी नागरिकता है और देश की भी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता का प्रोविजन वहां किया गया। भारत में कैसी है? भारत में एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता कैसे? एकल नागरिकता इसलिए है कि आपका कोई वीजा है पासपोर्ट में, तो वीजे के ऊपर क्या होगा? आपका पासपोर्ट होगा, उस पासपोर्ट के ऊपर आप भारत राष्ट्र के नागरिक होंगे। वहां पर यह नहीं लिखा होगा कि कोई मुकेश कुमार है वो आया है उसका वो राजस्थान का है, आप वहां के निवासी हैं राजस्थान के, नहीं, आप हैं भारत के निवासी, भारत राष्ट्र के आप नागरिक हैं, राजस्थान के आप वहां निवास कर सकते हो, वो हो सकता है, लेकिन राष्ट्र के तौर पर आपकी पहचान होगी, प्रतिनिधित्व होगा, वो किसके आधार पर होगा? तो वो एक भारत राष्ट्र के नाम पर होगा, ना कि राजस्थान के। तो भारत में एक ही नागरिकता है, इस प्रकार लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठाएं होती है, जो वे अपने क्षेत्र के होते हैं उनकी, और राष्ट्र के भी अलग होती है। जैसे हमें से कोई कहेगा कि कोई गुजराती है, कोई झारखंडी होने के साथ साथ कोई भारतीय भी होता है। प्रत्येक स्तर की राजनीतिक व्यवस्था की कुछ विशिष्ट शक्तियां और उत्तरदायित्व होते हैं, तथा वहां एक अलग सरकार भी होती है। दोहरे शासन की विस्तृत रूपरेखा अमूमन एक लिखित संविधान में मौजूद होती है, और ये संविधान सर्वोच्च होता है और दोनों ही सरकारों की शक्तियों को मानना पड़ता है। राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे रक्षा है, प्रतिरक्षा, मुद्रा का उत्तरदायित्व संघीय या केंद्र सरकार का होगा, वही क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के विषयों पर कौन होगी? राज्य सरकारें हैं, वो जवाबदेही होगी। यानी जो संघवाद है उसमें केंद्र और राज्य दोनों हैं, और दोनों की अपने अलग अलग शक्तियां होगी, और स्वतंत्र रूप से वह क्या होगा? उनका पालन करेगा, किनके द्वारा? अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है, जो खुद के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी के मुताबिक। भारत में केंद्र अलग काम कराए, राज्य अलग कराए, लेकिन वो उनके शक्तियों का विभाजन के आधार पर है, काम एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करेगा। जैसे केंद्र संघीय सरकार है तो वह देशी मामले, राष्ट्रीय महत्व के, अंतरराष्ट्रीय महत्व के विषय है उन पर काम करेगी। भारत सरकार, आप देखोगे भारत सरकार है वो रक्षा का मामला भारत सरकार के पास में होगा, विदेश का मामला भारत सरकार के पास होगा, किसी से संधियां समझौते करने हैं, संचार, कम्युनिकेशन का, रेलवे का, तो पूरे देश का जो मामला होगा तो वो भारत सरकार है वो संभालेगी, और ऐसा कैसा कोई क्षेत्रीय स्थानीय महत्व के विषय वो राज्य सरकार संभालेगी। जैसे राजस्थान में है तो राजस्थान के जो भी मुद्दे होंगे वो राजस्थान सरकार उनको देखने का काम करेगी, जो क्या है, एक संघ का हिस्सा होने के नाते इनके अपने अलग अलग कर्तव्यों का निर्धारण किया गया। तो ये बात हो आगे बढ़ी। अगला क्या कह रहे हैं? केंद्र और राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है, जो संघर्षों का क्या करेगी? समाधान करेगी। न्यायपालिका को केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे के संबंध में उठने वाले कानूनी विवादों को हल करने का अधिकार होगा। ये कहां पर है? ये संघ केंद्र है, संघ है, मैंने कहा कि भारत है वो क्या है? राज्यों का संघ, भारत राज्यों का, भारत राज्यों का संघ का मतलब, यहाँ पर बार बार मैं सब बोल रहा हूँ, भारत राज्यों का संघ है कि भारत में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है, ये तो काम करेंगे संघ में। अब संघ में क्या हुआ? विवाद पैदा हो रहा, संघवाद, विवाद पैदा ये हो रहा है कि केंद्र है वो कुछ और काम कर रहा है, राज्य कुछ और चाहता है, दोनों के मध्य विवाद हुआ, तो क्या है, तो संघवाद के मुताबिक जो न्यायपालिका होगी वो इन दोनों के मध्य विवादों का निपटारा करेगी। कौन करेगी? न्यायपालिका विवादों का निपटारा करेगी। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि केंद्र और राज्य के मध्य यदि कोई विवाद होता है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो न्यायपालिका होगी, कोर्ट होगी, जुडिशरी होगी, वह दोनों के मध्य क्या करेगी? समझौता यानी सॉल्यूशन का काम करेगी। आगे बढ़िए, संघवाद के तत्व कौन कौन से? कोई संघ, उस संघ को बनाने में कौन कौन से कारक होते हैं वो तय करते हैं, उसी से संघ है वो लंबे समय तक चलेगा। किसी भी संघ के निर्धारण में वहां की राजनीतिक विचारधारा, उनकी वहां की राजनीतिक विचारधारा, वहां की संस्कृति किस तरह की है, उनकी इतिहास किस तरह की रही है, उनकी पृष्ठभूमि कैसी रही, लोगों के आपसी रीति रिवाज परंपराएं किस तरह की, आपसी विश्वास, सहयोग और सम्मान और संयम की संस्कृति की आवश्यकता होगी, तो ये क्या होगा? संघवाद आसानी से चलेगा। तो इसकी लैंग्वेज करें कि संघवाद के वास्तविक कामकाज का जो निर्धारण है
वो कौन करेगा? राजनीति करेगी, संस्कृति करेगी, उसकी विचारधारा और इतिहास को वास्तविकताओं से भरा हुआ है। यानी कोई संघ वास्तव में किस तरीके से उसका निर्धारण राजनीति, इतिहास और उसकी साझी विचारधाराएं करेगी। विचारधारा एक है तो वह संघ बनाकर आपस में क्या है, साथ चलेंगे, और नहीं तो नहीं चल सकते। और कोई भी संघ को लंबे समय तक साथ चलने के लिए क्या होना चाहिए? आपसी विश्वास की आवश्यकता होगी। आपसे आपका विश्वास है, सहयोग है और सम्मान और संयम की संस्कृति है, तो ही संघ है वो आसानी से काम करेगा, अन्यथा कोई भी संघ है वो आसानी से कार्य नहीं कर सकता। राजनीतिक दलों के व्यवहार से भी ये तय होता है कि संविधान किस रास्ते चलेगा, और यदि कोई एक इकाई, प्रांत, भाषा या समुदाय या विचारधारा पर पूरा संघ है वो हावी हो जाए तो दबदबा या कायम करने वाली ताकत के साथ इकाइयां या लोग है वो नहीं रहेगी, फलत उनमें विरोध बनेगा। ये तो एक संघ के लिए आवश्यक तत्व थे। आवश्यक तत्व राजनीति होनी चाहिए, उसकी सांस्कृतिक विचारधारा, इतिहास, आपसी विश्वास, सहयोग, सम्मान और संयम होगा तो एक संघ आप बना सकते हैं। मैंने कहा कि एक काम करो, पूरे आप कक्षा 11th और 12th के विद्यार्थी सभी मिलकर एक संघ बनाओ। आप संघ किस तरह से बनाओ, आपकी क्या आवश्यक नीड होगी, आप में एक दूसरे में विश्वास है, हाँ ये मुझे कोऑपरेट करेंगे, हम साथ चलेंगे, ठीक है तो ही बन सकते हो, सहयोग करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, संयम करेंगे, किसी भी तरह के हैं, कोई ऐसा विवाद का मसला आया और वहां पर आप हैं, वो डंडों से एक दूसरे की धुलाई करोगे तो क्या संघ चल सकता? नहीं चल सकता। तो वहां पर संयम आवश्यकता होता है। एज इट इज ऐसी की स्थिति होती है, राज्य और केंद्र के मध्य में कोई विवाद होगा, एक दूसरे का कोई मामला आया तो एक दूसरे को उसको विश्वास की तरह से काम लोगे, कोऑपरेट करोगे, सहयोग करेंगे, उनका सम्मान करोगे, फिर उनमें एक दूसरे का संयम बरतोगे, यदि विवाद आए तो उस विवाद को ज्यादा नहीं बढ़ाते हुए उन पर संयम धैर्य से काम करोगे तो ही केंद्र और राज्य क्या करेंगे, आसानी से कार्य कर सकते। राजनीतिक दलों के व्यवहार से भी यह कुछ तय होता है कि संविधान किस रास्ते चलेगा। यदि कोई एक इकाई या प्रांत, भाषाई समुदाय या विचारधारा पूरे संघ पर हावी हो जाए तो दबदबा कायम करने वाली ताकत के साथ जो इकाइयां या लोग होंगे तो उनमें विरोध पनपेगा, और ऐसी स्थिति में नाराज इकाइयां अपने अलग होने की आवाज उठा सकती हैं और नौबत गृह युद्ध तक को आ सकती हैं, और बहुत से देशों को इस प्रकार के अनुभव से गुजरना पड़ा। ये दो तरह के तत्व हैं, दो तरह के तत्व निकल कर आए, एक तो सहयोग का है, सम्मान का है, संयम का। दूसरा क्या है? दूसरा तत्व यह आया कि आप यदि संघ है वो किसी पर क्या करेगा, इकाई, किसी इकाई, प्रांत, भाषा पर क्या करेगा, दबदबा कायम करेगा तो क्या है, संघ नहीं चलेगा। संघ नहीं चलेगा। तो ये संघ के लिए आवश्यक ये है कि कोई इकाई है, प्रांत है, कोई जैसे केंद्र राज्य के ऊपर दबाव डालेगा, राजस्थान के ऊपर बार बार दबाव डाल रहा है, उनकी भाषा सबको मान्यता नहीं दे रहा है, प्रांतों को उनको विकास के लिए फंडिंग नहीं दे रहा है, तो क्या राजस्थान है वो केंद्र सरकार के साथ है वो सहयोग कर सकती? नहीं करेगी। नहीं करेगी तो क्या होगा, यहाँ पर नाराज हो जाएगी और उनसे है वो नौबत ये गृह युद्ध की आ जाएगी कि हम निरंतर मांग करेंगे स्वायत्त, ताकि ऐसी स्थिति में संघ और राज्य, केंद्र और राज्य, हम दोनों समूह हैं जो साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, फल क्या होगा, फल अलग अलग राज्य भी इसी तरह की डिमांड करेंगे, हमने भी विशेष अधिकारों की मांग करने का, हम है विशेष पैकेज हमें दिया, बिहार भी कल करेगा, कल अन्य स्टेट भी है वो करेगा, तो ऐसा होगा तो क्या होगा, संघ है वो नहीं चलेगा, सभी में फूट पड़ जाएगी। इसलिए संघ में सहयोग सभी के अंतर्गत आवश्यकताएं, समान सहयोग होगा तो एक कोई संघ चल सकता है। अन्य राष्ट्रों का भी अनुभव ये बताता है, सोवियत संघ का, कि वहां पर भी जो केंद्र है उसने ज्यादा की फलत राज्य अलग हो गए, रूस उसमें शक्तिशाली राष्ट्र था, उज्बेकिस्तान की संस्कृति को प्रभावित किया, फलत है वो पतन हुआ। हमने फिर देखा था उसके अंतर्गत वेस्ट इंडीज संघ बनाया, लेकिन जो संघ केंद्र था वो कमजोर रहा, राज्य शक्तिशाली, फलत वो भी पतन हुआ। तो ये कुछ व्यवस्थाएं थी। एक अन्य उदाहरण है वो नाइजीरिया के उदाहरण को हम समझेंगे, किस तरीके से नाइजीरिया के अंतर्गत संघवाद रहा और उस संघवाद ने किस तरीके से है वो समाप्त करने का काम किया। नाइजीरिया में भी संघवाद बनाने की कोशिश हुई, लेकिन संघ है वो कभी भी साथ नहीं रहा। तो नाइजीरिया की स्थिति को देख लीजिए,
यदि किसी देश के विभिन्न क्षेत्र समुदाय एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हो तो वहां पर संघीय व्यवस्था लाने में असफलता होगी। कोई देश भारत है आप मान लो, और इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र और समुदाय एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, एक दूसरे को कॉन्फिडेंस नहीं है, एक दूसरे को विश्वास नहीं है, एक दूसरे को कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? क्या संघ बन सकता है? संघ नहीं बन सकता, वह संघ है वो असफल होगा। इसी का एक उदाहरण हम देखेंगे कि नाइजीरिया से उदाहरण समझेंगे। 1914 तक नाइजीरिया, उत्तरी नाइजीरिया और दक्षिणी नाइजीरिया दो भाग जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे, जो अलग अलग बंटे हुए थे। 1950 के अंतर्गत यह घटनाक्रम हुआ, इबादान संवैधानिक सम्मेलन बुलाया हमने, इबादान संवैधानिक सम्मेलन, और नाइजीरिया के नेताओं का एक विचार था कि एक नाइजीरियन संघ बनाया जाए। चूंकि पहले दो भागों में था, बटा हुआ था, फलत क्या हुआ, इबादान सम्मेलन 1950 में बुलाया, नाइजीरिया स्वतंत्र हुआ। तो उस समय इबादान सम्मेलन में यह तय हुआ कि नाइजीरिया का क्या किया जाए, एक है वो क्या हो, संघीय व्यवस्था हो, एक संघ बनाया जाए। तो 1950 इबादान सम्मेलन, क्या बात हुई, संघीय संविधान बनाने का निर्णय लिया। अब नाइजीरिया की तीन बड़ी जातियां, एक एरुबा है, नाइजीरिया की तीन बड़ी जनजातियां, तीन बड़ी जातियां, जातीयताएं, एरिबा है, इचो है, एरिबा, इचो और हौसा फुलानी, ये हौसा फुलानी होश भुलाने वाली है जनजाति है। एरुबा, इचो और हौसा फुलानी तीन जातीयताएं, और इनके नियंत्रण में कर्मस देश के तीन क्षेत्र थे। पश्चिम में एरुबा है, इचो है पूर्व में, और उत्तर में कौन है, हौसा। ये तीन जनजातियां अलग अलग क्षेत्र के अंतर्गत है, इनका अपना दबदबा है। पश्चिम में कौन है, पश्चिम के अंतर्गत आप देखोगे तो एरुबा, पूर्व में कौन है, पूर्व में है इचो, और हाउस पुरानी कहां पर है, उत्तर में। ये ठीक है, इन क्षेत्रों पर अपना अपना नियंत्रण था, और इनके द्वारा अन्य क्षेत्रों में अपना प्रभाव बनाने के प्रयास से भय और संघर्ष का माहौल है वह उत्पन्न हुआ। इससे वहां एक सैनिक शासन की स्थापना हुई, और 1960 के दशक में संविधान में केंद्र और प्रांतीय संयुक्त रूप से नाइजीरिया की पुलिस का नियंत्रण करती रही। 1970 के दशक में यदि देखा जाए तो सैनिक संविधान के अंतर्गत किसी भी राज्य को सिविल पुलिस रखने का अधिकार नहीं था। हालांकि 1999 में नाइजीरिया में दोबारा लोकतंत्र की बहाली हुई, लेकिन धार्मिक विभेद है वो आज भी बना हुआ। नाइजीरियाई संघ की एक सामने समस्या ये बनी रही कि तेल संसाधनों से प्राप्त राजस्व पर किसका नियंत्रण होगा, और इस प्रकार नाइजीरिया की विभिन्न संघीय इकाइयों के बीच धार्मिक, जातीय और आर्थिक विभेद, आर्थिक जो भेदभाव था उनके आधार पर नाइजीरियन संघ भी संभव नहीं हो पाया। बात निकल कर क्या, नाइजीरियाई जो संघवाद पड़ा उसे बात यह निकलकर आई कि नाइजीरिया आया वो अंग्रेजों का उपनिवेश था, ब्रिटिश उपनिवेश था, दो भागों में बंटा हुआ था, उत्तरी नाइजीरिया, दक्षिणी नाइजीरिया। 50 में इबादान सम्मेलन बुलाया, तीन जातियां एरिचा, इचो और हाउस पुरानी पश्चिम पूर्व में रह रही है, और उन्होंने मिलकर के क्या किया, कहा कि भाई एक संगठन बनाया जाए, लेकिन संगठन इन जातियों के निरंतर विरोध के कारण वो कभी भी नहीं बन पाया। और 1960 और के दशक में केंद्र और प्रांतीय सरकारों को क्या है, पुलिस के नियंत्रण में ले, वहां पर सैनिक शासन स्थापित हो गया। हालांकि 1999 में जाकर लोकतंत्र बहाल हुआ, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इनके बीच यह था कि जो तेल प्राप्त हो रहा था, तेल से जो राजस्व आएगा उस पर किसका नियंत्रण होगा, संघ का होगा या राज्य का होगा, या कौन सी जातियों को मिल जाएगा, जिनके आधार पर धार्मिक, जातीय और आर्थिक भेदभाव बढ़ा। फलत नाइजीरिया के अंतर्गत भी क्यों होगा, संघवाद पनप नहीं पा। संघ बनाने की हमने कोशिश की नाइजीरिया के अंतर्गत, लेकिन संघ बना दे वो सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि विभेदता जो भेदभाव था वो ज्यादा था। इससे चीज ये निकल कर आई कि संघ बनाना है तो राज्य और केंद्र दोनों एक दूसरे को सहयोग करेंगे, संसाधनों से जो राजस्व होगा उन पर क्या है, दोनों का समान रूप से होगा, जिससे ज्यादा हो रहा उनको ज्यादा देने का। जैसे राजस्थान से तेल राजस्थान में ज्यादा निकल रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो तेल से ज्यादा राजस्व प्राप्त होगा वो राजस्थान को देना पड़ेगा, आपकी प्राथमिकता होगी किसकी, केंद्र की। तो उसी तरह की यदि व्यवस्था हुई तो ये संघ है वो चल सकता है, अन्यथा संघवाद है वो चल नहीं सकता। तो ये दो तीन उदाहरण वेस्टइंडीज में देखा हमने,
नाइजीरियन में देखा और सोवियत संघ में देखा कि किस तरीके से संघवाद है वहां पर बनाने की असफल है कोशिश की, लेकिन संघवाद सक्षम है नहीं हो पाया क्योंकि कहीं पर केंद्र ने ज्यादा शक्तिशाली आ कि राज्य कमजोर रहा और कहीं पर ऐसी स्थिति आई कि राज्य हावी हो गए केंद्र कमजोर रहा फलत समाप्त हुआ। भारत में क्या स्थिति, भारत में केंद्र और राज्य दोनों को संविधान ने समान शक्तियां दी है और कुछ विषयों में है वो दोनों को विशेष दी गई फलत है दोनों कॉम्बिनेशन बनाकर चल रहे हैं जिसकी हम बात है अगले नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।